आदिवासी समाज द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से न मनाते हुए संपूर्ण भारत में निवासरत आदिवासियों की संस्कृति व पहचान, जल जंगल और जमीन के संरक्षण व संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने एवं आदिवासियों के साथ हो रहे घटनाओं के विरोध में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महाकाल आदिवासी लोक कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हटे सिंह मुवेल ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संपूर्ण उज्जैन आदिवासी समाज द्वारा बुधवार को टावर चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रैली निकाली गई। शहर के सभी आदिवासी भाई बहनों बच्चों द्वारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित होकर पैदल मौन रैली के रूप में टावर चौराहा से प्रारंभ होकर शहीद पार्क, पुलिस कंट्रोल रूम, कालिदास अकादमी होकर कोठी पैलेस में राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि संपूर्ण भारत में निवासरत आदिवासियों की संस्कृति व पहचान, जल जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने, विभिन्न प्रदेशों में आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध कार्यवाही करने व असंवैधानिक कानूनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। रैली के विश्वविद्यालय के सामने पहुंचने पर कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कुल सचिव प्रज्वल खरे, अधिकारी व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर रैली में शामिल आदिवासियों का स्वागत किया। ये इतिहास गवाह है, परंतु हमारे आदिवासी क्रांतिकारी महामहिम उन महामानव का इतिहास के पन्नों पे इस समाज के साथ संस्कृति के रूप में हम लोग इस पर्व का और यह ज्ञापन किया जा रहा है। आज हम रैली के माध्यम से इस दिवस को मना रहे हैं। यहाँ पे मनाने के मुख्य उद्देश्य है कि हमारे आदिवासी के अधिकारों की रक्षा करना, हमारी संस्कृति बचाए रखना हमारी संस्कृति का एक अस्तित्व है जो आदिवासी की पहचान होती है, और इस दृष्टि को नजर रखते हुए ये प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आज हम लोग देश में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है उनको देखते हुए आज ये दिवस को हम नहीं मना रहे हैं, इसको हमारे रैली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल के नाम पे आज पूरा देश, पूरा समाज ज्ञापन सौंपेगा।